बहुत सुंदर। सर मैं मकान में बैठे हैं, गीतांजलि, खेत पे बैठे हैं। सर मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका इस मेरा मंच पर, जिसके हम लोग सभी सहभागी हैं, वसंत सर, जयंत सर, ओम सर, उसके बाद जमुना मैडम और अनिल सर। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर, और आपने हमारे साथ में आना और बात करना स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप अपने सब्जेक्ट पर बोलना शुरू करें। बेसिकली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इस लॉकडाउन के टाइम में और कोरोना काल में आप इस किस्म का एक अभियान चला रखा है और आपने मुझे आमंत्रित किया। तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बातचीत शुरू करने से पहले दो तीन बातें हम करते हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के बिना इस सब्जेक्ट को समझाना या समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि आप सब रंगमंच से जुड़े हुए हैं, आप सब फिल्म रंगमंच और इसके और दूसरे एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो हम चीज कोई क्लास के ना होके हम शेयरिंग एक दूसरे से करें तो शायद ज्यादा मजा आएगा। और क्योंकि बेसिक लाइट के बारे में सारी चीजें पहले भी शायद साउथी ने बात की है, सत्यव्रत राउत जी ने बात की है, तो बहुत सारी बातें शायद हुई है। तो अब थोड़ा सा हम शायद कुछ सवाल जवाब हो, कुछ बातचीत हो, तो उसका शायद ज्यादा मजा आएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा सा आप बात करें और फिर उस बात के बाद हम उसका छोर पकड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। बात का लब्बोलुबाब ये है कि कोई भी जो हमारे खासतौर से भारतीय रंगमंच में लाइट या स्टेज मैनेजमेंट की तरफ अपनी मर्जी से कोई बहुत कम लोग जाते हैं। अभी बहुत लोग जाने लगे हैं जब से डिजाइन एंड डायरेक्शन का कोर्स शुरू हुआ है या उसमें लोगों को एक सम्मान मिलने लगा है। अदरवाइज बैकस्टेज में ज्यादातर लोग मजबूरी या उसको डायरेक्टर धकेलता है, उसी वजह से वो जाता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो लाइट है और स्टेज मैनेजमेंट है वो रंगमंच के इतने महत्वपूर्ण विषय हैं और इसको ही हमारे देश में, हमारे रंगमंच में अभी भी उसको इतना सम्मान या उसको एक मुख्य दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। तो यहां से मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा और खासतौर से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रंगमंच में स्टेज मैनेजमेंट एक वो धुरी है जो रिहर्सल शुरू होने से पहले, इवन प्रोडक्शन बन जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम स्टेज मैनेजर का होता है, लेकिन वही पूरे हिंदुस्तान में उसको अभी तक भी लाइट डिजाइनर को या लाइट को फिर भी प्रमुखता मिली है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बाकी के सारे एस्पेक्ट जो भी है लाइट्स से अलावा उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, चाहे वो डिजिटल लाइट्स हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे और इक्विपमेंट जो बाहर से आते हों, लेकिन लाइट ऐसा इक्विपमेंट है या लाइट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर डायरेक्टर ने, चाहे वो पारसी थिएटर करता हो, चाहे लोक रंगमंच करता हो, चाहे मॉडर्न थिएटर करता हो, तो लाइट के प्रति चूंकि एक सकारात्मक भूमिका रही है, लेकिन अभी भी स्टेज मैनेजमेंट को या स्टेज मैनेजर को वो तवज्जो या उसकी भूमिका को अभी भी संदिग्ध रखा गया है। मैं ये करना चाहूंगा कि रंगमंच में स्टेज मैनेजमेंट वो एक कड़ी है जो कि डायरेक्टर, एक्टर और डिजाइनर एज वेल एज प्रोडक्शन के बनने के बाद जो उसके शोज होते हैं वो भी सारा काम प्रोडक्शन कंट्रोलर या स्टेज मैनेजर जो भी कहना चाहे उसका बहुत जरूरी ये हिस्सा है। उसको हमें कैसे आगे लाएं, हम सबको ये बात सोचनी चाहिए और इस विषय में बात करनी चाहिए। जब दुनिया के और सारे देशों में, खास तौर से मैं जापान की बात करूं, जापान में डायरेक्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद है वो स्टेज मैनेजमेंट, और जब प्ले तैयार हो जाता है या तैयार होते रहता है तब भी डायरेक्टर खाली रिहर्सल के टाइम वहां पर होता है, बाकी सारी चीजें कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेके मेकअप से लेके सारी चीजों में स्टेज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे यहाँ स्टेज मैनेजर को सिर्फ चाय व्यवस्था के लिए ही अभी तक समझा जाता रहा है। तो इस सब्जेक्ट को मैं विशेष तौर से
आप लोगों के बीच में उठाना चाहता हूं, आप लोगों की इस पे प्रतिक्रिया या कोई सवाल या कोई जवाब। और मैं इसके लिए दो बात कहना चाहूंगा कि हमने जब हम एनएसजी में स्टडी कर रहे थे तो हमें सलीम आरिफ जी पढ़ाने आए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने प्रोडक्शन से संबंधित, हालांकि उनका फिल्मों का ज्यादा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली। और मैं और गौतम मजुमदार दो लोग हैं, हमने तय किया कि हम स्टेज मैनेजमेंट में बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये अच्छा भी रहा कि हम दोनों, गौतम मजुमदार और हम दोनों, स्टेज मैनेजमेंट में आगे गए और हम उसी की बदौलत हम पूरी देश और दुनिया में हमने अपना नाम और अपना काम उस तरह से किया। और जब हम विदेश में गए तो हमने देखा कि जो हमारे मन में था कि एक बैकस्टेज का आदमी, एक जब कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहां का बैकस्टेज का आदमी एक एक्टर के जूते उठा के लाकर जब देता है, वो प्राइड और गर्व महसूस करता है। वैसा ही काम हमने भी बैकस्टेज में यहाँ पे शुरू किया था और वो उसका पुष्टि हमें वहां हुई। लेकिन अभी भी जो मैं देख रहा हूं, अभी भी हमारा बैकस्टेज, हमारा टेक्निकल पार्ट बहुत ही पीछे है, पिछड़ा हुआ है। हम सबको प्रोडक्शन की क्वालिटी में अगर हम चार चांद लगाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को हम और एक कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, तो हमें बैकस्टेज की तरफ बहुत ही मुखरता से और बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें अब आपका कुछ अगर कहना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। क्या हम इस सब्जेक्ट को आपसे विमर्श के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यदि हाँ तो आप जो बात करना चाहते हैं वो बात करें। सर, क्या आपने कभी इस पे एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों नहीं है यहाँ पर लाइट डिजाइनर को उतना सम्मान या उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? बेसिकली जो मेरे जहन में आता है, आप सबके आता है, कि हम जितने भी लोग थिएटर में यहाँ हिंदुस्तान में हैं, वो सब लोग एक्टर बनना चाहते हैं। हम सब लोग शुरुआत एक्टर से करते हैं। इवन दो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभी 3 साल से शायद डिजाइन और डायरेक्शन का अलग से ऑडिशन होने लगा है फर्स्ट ईयर में, अदरवाइज चाहे आपको डिजाइनर बनना हो या डायरेक्टर बनना हो, एक्टिंग का ही पूरा परफॉर्मेंस वहां करना पड़ता था। उसको एक्टिंग का परफॉर्मेंस यानी स्पीच तैयार करना पड़ता है, उसको कविता तैयार करना पड़ता है, उसको डांस एंड मूवमेंट एंड सिंगिंग का ऑडिशन देना पड़ता है, क्या है उसका संबंध डिजाइन या डायरेक्शन या राइटिंग में रहा हो, वो फिर सेकेंड ईयर में जाके बनता है। तो ये हमारे यहाँ थिएटर में बेसिकली अच्छी बात तो ये भी है कि थिएटर एक्टर का मीडिया है, ये बात ठीक है, लेकिन बिना बैकस्टेज के कोई भी मूवमेंट, कोई भी चीजें आप मंच पे ला नहीं सकते, उसकी बहुत जरूरत है। तो उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अभी भी हमारे डायरेक्टर्स, खास तौर से जो एस्टेब्लिश डायरेक्टर हैं, वो लोग इस तरफ अभी भी मुखर नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि एक एक्टर को लाइट की उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए, और लाइट उसे लगता है कि उसका काम सिर्फ एक्टिंग करना है, लाइट वाला लाइट देखे, तो क्या यदि एक्टर लाइट को उतना महत्व देगा तो वो लाइट डिजाइनर में भी, डिजाइनिंग में भी उतना ही इंटरेस्ट लेगा? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में नहीं? दो, 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 आपने सवाल जो किया कि एक्टर, हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो थिएटर सारा जो है कॉम्पैक्ट चीज है, कम्बाइंड चीज है, ये ग्रुप, टीम ऑफ ग्रुप का जो काम है, तो वो ग्रुप में जब हम लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, इसके बिना रंगमंच कहाँ हो सकता है? तो और दूसरा, हमारा एक्टर जो मैंने बहुत बार कहा भी है और मेरा अनुभव रहा है कि जब एक्टर को म्यूजिक की क्लास हम देते हैं तो वो कहता है मुझे गायक थोड़ी बनना है, जब उसे डांस एंड मूवमेंट की क्लास करवाते हैं तो मुझे डांसर थोड़ी बनना है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो, हाँ, वीडियो भी चला गया था, हाँ, लगता शायद स्थिर हो गया, स्थिर हो गए, नेटवर्क रुक गया, प्रॉपर लाइट ले ली उन्होंने। नहीं, लाइटिंग पर कम है, वो तो लाइट डिजाइनर है, इतने अच्छे हैं।
अच्छी शेड में लिया लाइट। हाँ उन्होंने सोच के लाइट ली है। 3D शेप है उनका लाइट का पूरा। देखिए सोर्स पूरा है। लाइट पे कोरोना इफेक्ट जो कहते ना वो है। ग्रीन ग्रीन कहाँ गए? तो चले गए ना क्या कोरोना से नाराज होना? नहीं नहीं डिस्कनेक्ट हो गए, आते होंगे। आपके वहां बारिश हो रही है? किससे पूछ? सबसे जो जो बोल रहे हैं, जिनके यहाँ हो रही वो बोल देगा। जैसे हमारे यहाँ नहीं हो रही, हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है। मुंबई में एक ही चीज हो रही है, कोरोना की बारिश, बाकी सब। यहाँ तो धूप निकली है, कल हो रही थी, कल हो रही थी, पूरी धूप है। मनोहर वहाँ का मौसम मनोरम है। अरे दादा पूछिए मत। ऐसा लगता है बहुत, हाँ बहुत शार्प धूप है, ऐसा लगता है कि बर्फ बर्फ से टकरा के जो व्हाइट धूप आती है ना एकदम आंखों को चुभने वाली, वो धूप है। गीतांजलि ने ऐसी आदत डाल दी कि अब ये खत्म होगा तो सबको अखरेगा मालूम। हाँ घूम घूम चिल्लाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं काम क्या करता था। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब काम छोड़ जाएगा। अरे भैया मेरे को 3 बजे जाना है, उधर मेरा मीटिंग है। बोले अरे यार आप कहाँ जा रहे हो? अरे 3 बजे का मीटिंग है, 3 बजे से लेके 7 बजे शाम तक। 2:30 बजे घड़ी, 2:30 बजे घड़ी देखना शुरू कर देंगे आप। वैसे एक बात मैं बताऊं आपको कि जो हम लाइट पर और प्रोडक्शन मैनेजर पर सब बात कर रहे हैं, हमारा जो हिंदी थिएटर है वो वहाँ उसमें ऑडिटोरियम में देखिए तो लाइटें हैं कितनी हैं। कम से कम अंकुर जी की जो हम कहानियां करते हैं, कम से कम सुविधाओं में, कम से कम मतलब वो उनका एक ही चीज है कि कम से कम सुविधाओं में नाटक कैसे किया जाए और अच्छा नाटक कैसे किया जाए, एक्टिंग ओरिएंटेड नाटक जो कि कहानी के रंगमंच में, ये तो खास सुविधा है उसमें। मुझे लगता है वैसे हिंदी थिएटर में जो लोग जिनकी बात कर रहे हैं कि एक्टिंग पर मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, एक्टिंग ही करना चाहता, मुझे तो एक्टर बनना है। कई सारे डायरेक्टर हैं वो इस उम्र में आके एक्टिंग कर रहे हैं। आप टीवी और फिल्म खोल के देखिए। सर स्वागत, क्या हो गया था सर? नेटवर्क चला गया। आ गए आ गए आ गए। जी 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 बोले। हाँ कंटिन्यू। नहीं कहाँ से कंटिन्यू करें, तुम बीच में आ गए। जहाँ छोड़ा था तुम, जहाँ तुम छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे बताओ? कहाँ से छोड़े थे सवाल थे। कोरोना में होमवर्क मत दो। एक्टर वाला। हाँ एक्टर वाला। हाँ बेसिकली मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो एक्टर इस मसले में पता नहीं बहुत ज्यादा लिबर्टी लेना चाहता है, बाकी की चीजों में वो अपने आप को बचाना चाहता है, ये मसला है। जी जबकि बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं लेकिन वो उसमें नहीं आ पाता है। जी और डायरेक्टर भी वो एक्टर को ही ज्यादा तवज्जो देने का काम करते हैं। आप देखिए अभी भी हालत ये है कि ग्रैंड रिहर्सल सेम डे सेट लगेगा, सेम डे लाइट होगी, सेम डे शो शाम को है। जो 2 महीने से रिहर्सल करते हैं, 1 महीने से रिहर्सल करते हैं और डिजाइनर लाइट डिजाइनर सेट लगाने वाले वो सारे लोग उसे एक दिन में सारी चीजें करते हैं। हालांकि एक्टर को भी प्रॉब्लम है उसमें कि उसको भी एक दिन में सेट पे सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन तकनीकी चीजों को अगर हमें परफेक्ट करना है, हमें उसका एक स्तर बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें उसको उस लेवल पे आना। हेलो सर एक मिनट इनको म्यूट कर दे रही हूं। जी सर। तो वहां पर अभी हमारा जो रंगमंच है हम बहुत ज्यादा अम्यूचर लेवल पे ही अभी काम कर पा रहे हैं, इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। फेस्टिवल में हम समझ सकते हैं कि फेस्टिवल में एक दिन में सब कुछ करना होता है, प्ले पहले से तैयार है, उसका रिहर्सल हो चुका है, उसके शोज हो चुके हैं, हमें एक दिन में सारी चीजें माउंट करनी है। बट जब प्रोडक्शन हम पहली बार उसका शो करते हैं तो लाइट डिजाइनर को सेट्स को
सब चीजों को ट्राई आउट करने के लिए टाइम होना चाहिए, उसमें एक्टर भी कंफर्टेबल होगा और हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्शन का कम्युनिकेशन और भी बेहतर तरीके से होगा, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी बहुत जरूरत है। सर लाइट में क्या है? दौलत भाई जी, देखिए बड़ी मुश्किल होती है छोटी जगहों में या ज्यादातर जगह, एक तो ऑडिटोरियम्स बहुत महंगे मिलते हैं, टेक्निकल रिहर्सल्स के लिए हम लोग पहले से ऑडिटोरियम ले ही नहीं पाते। रही बात दूसरी, तो जैसे लाइट डिजाइनर हमारे छोटे ग्रुप्स में रहते ही नहीं, क्योंकि छोटी सुविधाएं नहीं, तो कोई लाइट सीखना ही नहीं चाहता। हम ज्यादातर बाहर से लाइट डिजाइनर बुलाते हैं, ऑडिटोरियम उसी दिन लेना हमारी मजबूरी है, और कई जगह तो लाइट वाले आदमी सेट और साउंड वाले आदमी 2 बजे आते, 2 बजे मिलते हैं लाइट और साउंड वाले, 2 बजे से लेके हम एक कच्ची रिहर्सल करते हैं, फिर लाइट सेट होने के बाद एग्जिट एंट्री लेते भर बस। कई बार तो एक्टर्स को मालूम ही नहीं है कि हमें लाइट कहाँ मिली, ये हमारी अपनी सीमाएं हैं, कहाँ से हो पाए, इतने महंगे ऑडिटोरियम हम नहीं ले सकते टेक्निकल, क्योंकि जहाँ पे रेपेट्री भाई NSD रेपेट्री हो, आपकी श्रीराम सेंटर रेपेट्रीज हो, दूसरी जगह हो, वहां तो ठीक है, पर हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। ज्यादातर एरिया अमेच्योर ग्रुप ही काम कर रहे हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ ज्यादातर जगह नहीं मिलता ऑडिटोरियम। एक दिन पहले भी कहा डफोर्ड फाइट, इवन लाइट डिजाइनर से है ही नहीं हमारे पास, डायरेक्टर ही सब कुछ करता है, वही शुरू से सारा कुछ करके, कभी कभी फोन से बात कर लेते कि यार मैंने ये सोर्सेस रखे हैं हम शुरू करने के पहले, और हमें मालूम है कि हमारे शहर में कितनी लाइट उपलब्ध है, उस लाइट के हिसाब से हम अपना नाटक सेट डिजाइन करते हैं। ये मुश्किलें तो है दौलत भाई, आप मानते होंगे। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ सर कि जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों के समाधान की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ आपको। वो कहा कि पहली बात तो ये कि हम ऑडिटोरियम वाले प्ले ही ना करें, हम अल्टरनेट स्पेस क्यों नहीं डेवलप कर रहे सर? यस, ये सही। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि लाइट होनी चाहिए। मैं तो सर, मैं जो मेरी लाइट का डिजाइन अगर आप देखेंगे तो मैं पहले थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने जब काम शुरू किया NSD पास आउट होने के बाद, तो डॉक्टर अनुराधा कपूर के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने देखा लाइट का बजट इतना होता था कि वो 4 दिन लाइट आने में करीब करीब 40-50 हजार रुपया लाइट में लग जाता था हमारा। मैंने देखा कि यार इतना सारा पैसा लाइट में चला जाता है, हम क्यों ना कोई डोमेस्टिक रास्ता निकालें ताकि लाइट पे खर्चा ना हो के कलाकारों को, बैकस्टेज के लोगों को पैसा और ज्यादा मिले, तो हमने वो रास्ता निकाला। तो हम जो डेकोरेटिव लाइट होती है जो बहुताय में मिलती है, उनको कैसे थिएटर में इंट्रोड्यूस करें, वो हमने तरीका निकाला, और उसी वजह से मैंने ये एडवांस लाइट का जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, उसके पीछे मकसद मेरा यही है कि हम एक तो अल्टरनेटिव स्पेस तैयार करें। जैसे कि आपने कहा कि ऑडिटोरियम छोटी जगह हो, दिल्ली हो या NSD हो, NSD को भी ऑडिटोरियम 4-5 दिन मिलेगा। दूसरा, NSD में तो स्टूडेंट्स के प्रोडक्शन 4 दिन है, उसके बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन आप और हम जो लोकल जगह पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये प्ले हमने किया है कि इसके बताए शो हो। लेकिन अगर हम ऑडिटोरियम, जो महंगे ऑडिटोरियम हो, चाहे आपके गाँव का हो चाहे शहर का हो, उसमें कर ही नहीं पाएंगे रिपीट शो को। जबकि थिएटर में जब तक रिपीटेशन नहीं होगा तो ना एक्टर का फायदा होगा, ना डायरेक्टर का फायदा होगा, ना ही थिएटर को वो क्वालिटी में हम ला पाएंगे। तो हम इस तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान जाए कि हम एक क्वालिटी थिएटर करने के लिए अल्टरनेटिव स्पेस को तैयार करने की कोशिश करें, उस तरफ जाए, ये मेरा मकसद है। और वहां पर हम डोमेस्टिक लाइट, ट्यूब लाइट से लेके बल्ब से लेके LED बल्ब से लेके झालर से लेके क्या क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं जो हम इस्तेमाल करके हमारे मंच को वैसा ही घनीभूत बना सकते हैं जैसा कि प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, मेरा मकसद वही है। दौलत भाई जी, इधर बहुत देखने में आ रहा है कि हर नाटक में पीछे LED में 7-8 लाइट लगा देते हैं जी, और जरूरत हो चाहे न हो, और उसमें धुआं भी छोड़ देते हैं जी। तो ये कहां तक जरूरी है? फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, हम लोग फेसबुक में फोटोग्राफ्स बहुत अच्छा देखते हैं, जब उनको साक्षात उन नाटकों को देखते हैं तो लगता है इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं थी। दो चीज है, आपने एक तो कहा कि पीछे 4-5 लाइट लगा देते हैं और LED की
एलईडी खास तौर से जी जी। दूसरा फोटो अच्छा आता है, लेकिन आपको बता दूं फोटो अच्छा नहीं आता है जब तक उसमें की लाइट आपके पास नहीं, धुआं जब छोड़ते हैं तब तक फोटो नहीं आएगा अच्छा। दूसरी बात स्मोक भी साथ में चला देते हैं, वो एक चीज और लगा देते हैं पीछे एलईडी स्क्रीन भी लगा देते हैं, ये भी आपने देखा होगा, वो भी लगा देते हैं। तो बेसिकली देखिए वो ये स्कूल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें और नाटक का जो एक गंभीरता है उस दोनों में फर्क है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई जो एलईडी लाइट लगा देते हैं, अगर प्ले की रिक्वायरमेंट है, प्ले में अगर वो अच्छा विजुअल बना रहा है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। लेकिन अगर उसमें आपको डिस्टर्ब किया है, उस लाइट की वजह से प्रॉब्लम आया है, तो डेफिनेटली वो गलत हो सकता है। लेकिन मैं ऑर्थोडॉक्सली सोच रहा हूँ कि यार ये लाइट नहीं होनी चाहिए, इसकी क्या जरूरत थी, तो ये जरूरत सब डायरेक्टर और डिजाइनर मिलकर तय करेंगे। हम अपना सजेशन दे सकते हैं यार ये लाइट की हमें आवश्यकता नहीं लगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें बिल्कुल बाय हार्टेड उनको बोलें, उनको दिल से बोलें कि भाई ये बुराई के लिए नहीं कह रहे, बाकी आपका लुकआउट है, हम यही कर सकते हैं। जी जी जी, मुझे बस अक्सर हम देख रहे हैं कि जरूरत नहीं होती है, लेकिन धुआं भी छोड़ दे रहे हैं और एलईडी भी लाल पीला नीला जला दे रहे हैं अच्छे नाटकों। क्या क्या है सर कि अभी जो है ना जो डिस्को थिक वाला जो मसला है, वो ही प्ले भी आपने देखने गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, लेकिन मैंने तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट और इफेक्ट देखे हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप इप्सन फेस्टिवल के दो चार प्ले हैं उसमें मैंने लाइट किया है, अनुराधा कपूर का प्ले है द बॉर्कमैन, इप्सन का बॉर्कमैन है, और नीलम मानसिंह का लिटिल यॉल्फ है, उनमें एलईडी लाइट लगाई है मैंने, और बैक से भी लगाई है, फ्रंट से भी लगाई है, आप देखिएगा, आपको अगर कुछ लगता है तो जरूर हम बात करें बाद में, मेरा नंबर है आपके पास, आप देखिए जरूरत को और उसको किस, देखो आप भी, मैं तो कह रहा हूँ स्पॉट लाइट, पार लाइट, प्रोफाइल लाइट, यही लाइट अगर आप किसी और को देंगे वो किसी और तरीके से करता है तो वो डेफिनेटली प्ले बिगड़ भी सकता है, तो यही बात हो सकती है। वो एक ना हमारा कोई जो लाइट डिजाइनर है वो भी ट्रेंड नहीं है, वो भी झामा खड़ा करना चाह रहा है, जैसे कि वो भी फिल्म में टीवी आपका इवेंट, वो इवेंट लाइट से प्रेरित होकर सब चीजें कर रहे हैं, ये मुझे जी, 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 जी। सर लाइट में क्या अभी अभी फिलहाल में कोई नए प्रयोग हो रहे हैं? देखिए लाइट में तो निरंतर प्रयोग होता ही रहता है, लेकिन बस जरूरत ये है कि उसको किस समझ से, किस इक्विपमेंट, बाकी लाइट एक ऐसी चीज है जिसमें वो चार एंगल हैं, फ्रंट लेफ्ट राइट और बैक एंड टॉप, पांच वो ही एंगल है, उसको किस किस एंगल से आप इनोवेटिव कर सकते हैं ये एक नजरिया है। और आपको बाकी बेसिक तो कहते हैं कि भाई चारों तरफ से थ्री डायमेंशन होनी चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टर और डिजाइनर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह से प्ले को दिखाना चाहता है, क्योंकि लाइट खाली विजुअलिटी नहीं है, वो प्ले को देखने का दृष्टिकोण है। जैसे फिल्म में कैमरा काम करता है स्टेज पे, लाइट वो काम करती है कि वो दर्शकों से किस तरह से सीन को ओपन करना चाहते हैं, किस तरह से दिखाना चाहते हैं, ये लाइट डिजाइनर और डायरेक्टर के बीच का एक तारतम्य है। वो कैमरे वाला काम यहाँ पे लाइट डिजाइनर और डायरेक्टर दोनों मिलकर करते हैं। किसी के पास कोई सवाल? दौलत साहब नमस्कार, सर बोलिए। नहीं, दौलत साहब के पास आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। मैं बस छोटे से दो प्रश्न थे, जैसे आप कह रहे हैं कि लाइटें बहुत महंगी है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, तो कन्वेंशनल लाइट्स तो कलकत्ता में बहुत सस्ती है, काफी सस्ती है, मतलब उनके प्रयोग से ही कलकत्ता में सब जगह उन्हीं से काम हो रहा है, तो एनीवे वो एक अलग इश्यू है। अगर जो नाटक में सबसे पहले तो शब्द से नाटक आगे बढ़ता है, शब्दों के बाद लाइट उसको और आगे बढ़ाती है, शब्दों के और प्रकाश के बीच क्या संबंध है, मतलब प्रकाश शब्दों को और कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे दर्शकों से प्रकाश के माध्यम से शब्द और दर्शक दोनों जुड़ जाते हैं, इसमें लाइट का रोल है, थोड़ा सा अगर आप बताएं। आपने
सवाल तो बहुत लंबा ऐसा किया है जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश और अंधकार दोनों के मिश्रण का ही एक स्वरूप है, जो जैसा कि आप कहते हैं कि जब कोई भी आदमी किसी कोई एक एस्पेक्ट उसका बंद हो जाता है, सपोज एक आदमी ब्लाइंड है तो उसका कान बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है, कोई बहरा है तो उसकी आंखें बहुत काम करने लग जाती हैं, तो लाइट हेलो लाइट जो है अंधेरे और लाइट का संबंध उतना ही है जो शब्दों को पहुंचाने का काम जो करता है, कि अंधेरा भी अपनी बात कहता है, वो बात लाइट के एंगल से, लाइट की छाया और लाइट का जो उजाला और अंधेरा है वो अपने शब्द बनाते हैं, और वो डायरेक्टर ने जो शब्द दिए, राइटर के जो शब्दों को उन्होंने पिरोया है, उन दोनों के बीच में पहुंचाता है। और ये भी जो आप सवाल कर रहे हैं, ये भी आप एक समझ वाले आदमी हैं, समझ व्यक्तित्व की आपकी ये है, वो दर्शक जो नॉर्मली आता है उसके परे की बात है, लेकिन हाँ जब हम इस सीरियसनेस से काम करेंगे तो वो दोनों चीजें उस पर असर करती हैं। हेलो हाँ सर, हाँ सर, तो वो दोनों चीजें तभी असर करती है जब वो दर्शक उन चीजों को समझने की जरूरत महसूस करता है, वरना जैसा कि अभी बता रहे थे कि वो बैक से लाइट लगा दी, ब्लू जो एलईडी लाइट लगा दी, धुआं छोड़ दिया, तो वो वही लाइट होती है। दौलत भाई, जयंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जयंत। कि आप लाइट करते वक्त मैं दो तीन नाटक के नाम लेता हूँ, एक कहता हूँ आधे अधूरे, एक कहता हूँ हैवदन, और एक कहता हूँ वोकेशन चौक सर्कल, ये तीन तरह के नाटक है, और एक कहता हूँ अंधायु, चार तरह के नाटक है। आधे अधूरे में समय है, रात होती है, दिन होता है, जो स्क्रिप्ट में ही है। हैवदन में या अंधा युग में या वोकेशन चौक सर्किल में, इसमें कहीं ये नहीं होता कि कब रात है और कब दिन है और कब अंधेरा है। क्या कभी किसी डायरेक्टर ने इन नाटकों को या इनके अलावा कोई नाटकों को आपसे डिस्कस किया है कि मैं कपिल और पद्मिनी और देवदत्त का जो जंगल से जाता हुआ सीन है उसको मैं दोपहर से रात दिखाना चाहता हूँ और रात को वो मंदिर में पहुंचते हैं, है ना? तो अब यहाँ आ गई लाइट, यहाँ लाइट का काम आ गया। ऑपरेशन चौक सर्किल में जो ग्रुषा है, लड़की है, वो जब वो पार कर रही है, ब्रिज पार कर रही है, तो किसी डायरेक्टर ने कहा कि यार ये वाली जो जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पानी गिर रहा होगा और यहाँ पे कुछ धुंधला सा, अंधेरा सा होगा, तो पूरी स्क्रिप्ट में ऐसी कुछ जगह ढूंढे जिससे लाइट के नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है कि आप एरिया वाइज लाइट करते हैं और स्पॉट बनाते हैं, फोकस करते हैं, बैकलाइट करते हैं, साइड लाइट करते हैं। मेरा ये आपसे आग्रह है, जिज्ञासा है मेरी, कि कोई डायरेक्टर या कोई डिजाइनर, आप जैसा डिजाइनर हिंदुस्तान में बड़े लाइट डिजाइनर हैं, तो क्या कभी किसी स्क्रिप्ट को इस बहाने से देखता है कि पूरा नाटक, क्योंकि पूरा नाटक कई बार एक दिन में होता है, एक दिन का प्रक्रिया होती है, कई बार एक नाटक जो है वो मेरे ख्याल है एक साल की प्रक्रिया में होता है, तो वो उसको आप कैसे, किसी डायरेक्टर ने आपसे कभी कहा या कभी आपने किसी स्क्रिप्ट को इस तरह से बांटा है कि इसमें लाइट का बड़ा बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं करना चाहता हूं, तो मैंने आपसे बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और दूसरा, इत्तेफाक से सारे प्ले मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्ले को अभी लिट करने का मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है? लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक प्ले है, टैगोर की कहानी है, और जीवित या मृत, जीवित या मृत, इस कहानी को ड्रामेटाइजेशन किया गीतांजलि श्री ने और डायरेक्ट किया अनुराधा कपूर ने, और एक्टर है सीमा विश्वास, सोलो सीमा विश्वास अकेली एक्टर है। अब उसमें मुझे ये जो जीवित मृत की कहानी है कि ये जो महिला है
उसको खांसी होती है कुछ दिल का दौरा समझ के मरी समझ के इसको शमशान घाट में जाके डाल देते हैं, और जब शमशान घाट में छोड़ के आते हैं उसको तो वो उठ बैठती है, तो वो जो छोड़ने आए थे वो भूत समझ के भाग जाते हैं। ये महिला शमशान घाट में होने की वजह से समझती है कि मैं मर गई क्या, एंड वो अपने आप को समझती है मैं भूत हूं, शायद वो जीवित भी है भूत भी है, ये समझ के वो अपने सहेली के घर चली जाती है और वहां पे उसकी सहेली उसको एक्सेप्ट करती है और वहां वो रहती है। तो अब मुझे अनुराधा मैम ने एक सवाल किया कि दौलत ये जो भूत है, भूत जैसे इसके आसपास की सारी चीजें तो चमके लेकिन इसके ऊपर लाइट ना आए, ये भूत है ऐसा मानो, है वो जिंदा लेकिन वो भूत है, क्या ऐसा हम इसमें कर सकते हैं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यार इट्स वेरी नाइस कि एक्टर पे लाइट ना हो और बाकी सब चीजें चमके, हाउ इट इज पॉसिबल, इस चीज को कैसे बनाया जाए, और मैं इस संघर्ष में जद्दोजहद में लगा क्योंकि एक डायरेक्टर ने डिमांड किया है तो, और वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मैं सोच ही रहा था लेकिन मैं कहा कि मैडम जब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालूंगा तो मैं, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है घोस्ट में, द प्ले घोस्ट में मैंने स्कूल में किया है कि मैंने एक भी लाइट एक्टर पे या किसी भी प्रॉप पे डायरेक्ट नहीं डाली। ये मनोहर तेली मेरे बैचमेट हैं, इनको मालूम है, मैंने इतने मिरर लगाए कि मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन जाके एक्टर पे जाता था, हर तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी एक्टर जाएगा वहां मैंने मिरर्स को ऐसा सेट किया, चाहे वो डाइनिंग टेबल था चाहे वो सेंटर टेबल था या ऊपर कोई पिक्चर था, वहां पे मैंने मिरर्स लगाए और वहां पे लाइट जाता था, एक्टर के ऊपर आता था। अब यही मुझे संघर्ष यहां पे करना था। तो एक बहुत अच्छा है, अनुराधा मैम ने मुझे कहा कि एक फिल्म है उस फिल्म का गाना देखो, और वो फिल्म का गाना मुझे थोड़ा सा अभी जस्ट जुबान पे नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं कि आप भी जरूर देखना, आज मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ। कहाँ है मेरी महफिल में राती जगा है, सुना है तेरी महफिल में राती जगा है। तो जब ये गाना सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो चारों तरफ डांस करता है, पूरे स्पेस में जाता है, लेकिन उसके जो साथ में क्राउड में जो डांसर नाचते हैं चार, उनको सब शेडो में है, वो उनके ऊपर लाइट आती नहीं है। तो वो फिल्म में तो वो संभव था, यहाँ पे मैं उसको कैसे संभव करूं? और जो भी हमें जहां ऑडिटोरियम मिले, पहला शो उसका ओपन होना था कलकत्ता में, उसके बाद फिर कहीं कमानी में, कहीं श्रीराम में, तो हर जगह इसका कैसे मैं करूं। तो मैंने एक बहुत अच्छा उसमें आइडिया निकाला कि मैंने छोटी छोटी एलईडी लाइट्स बाजार से खरीदी, जैसे डोमेस्टिक लाइट में बता रहा हूं आपको कि मैं डोमेस्टिक लाइट से बहुत काम करता हूं, उन लाइटों के जरिए मैंने बैक बे जो हमारा एक कर्टन है ब्लू कलर का जिसपे लोटस है उसके ऊपर सारी लाइट आती है, उस पर बाउंस करके फिर वो एक्टर पे आती है, फ्लोर पे लाइट होती है वो उस पर आती है, और कुछ छोटी छोटी लाइट्स हैं उस एक्टर पे, तो वो पूरा अंधेरा तो नहीं लेकिन ये धुंधलापन थोड़ा सा उसमें पूरे टाइम के, ये घोस्ट की इमेज है, इस किस्म से वो दिखता है। लेकिन यही बात जो है, हम कभी ये प्ले जो सुबह से शाम का जो मसला है, ये अभी जो सारा स्पेस है, एक तो स्पेस ही हम डिवीजन नहीं कर पा रहे, सारा वो मल्टीपल यूज हो रहा है, सारा मल्टीपल स्पेस है पूरा, उसमें एक वही घर है वही महल है वही सब कुछ है, दूसरा सेम टाइम के साथ भी हो रहा है कि वो टाइम का कोई उसमें डिस्टिंग्विश कहीं भी नहीं हो पा रहा है, ना डायरेक्टर कर पा रहा है ना एक्टर उसमें सोच पा रहा है, हम सब मल्टी लेवल पे काम करते जा रहे हैं, मल्टी स्टेज जो काम कर रहा है। इसलिए ये कभी मौका मिलेगा तो वो सुबह से शाम का मराठी प्लेज में बहुत होता है कि वो बहुत सुबह का एक अलग होता है, शाम का अलग होता है, और रियलिस्टिक लाइट भी लगाते हैं, ट्यूब लाइट भी लगाते हैं, उसी से वो होता है, बट वो बहुत पुराना मेथड भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हो रहा है, इट विल बी, अभी भी हम चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम होता है। दौलत जी, सर हमारे पास समय खत्म होने वाला है तो सेकंड टाइम आप ज्वाइन हो जाइएगा। दोबारा बोलिए। हमारा
हमारा समय खत्म होने वाला है, तो आप सेकंड टाइम रिज्वाइन कर लीजिए। मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, हम सब ज्वाइन करेंगे, आप भी ज्वाइन। अच्छा ठीक, एक्चुअल में वो 40 मिनट देता है हमको जूम। ओ, समझ गया, समझ गया। जी जी, ओके ओके। पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, ये ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है। बोलते रहे दौलत, अच्छा लग रहा, बोलो ना। जब होगा तब। हाँ, बेसिकली वो टाइम खर्ब हो रहा है, तो ये कह रहे हैं ना, तो मैं दोबारा आ जाता हूँ ना। दोबारा आ जाए सभी। हाँ, हाँ, सभी सभी दोबारा आएंगे, सब आएंगे। हाँ, तो आइए, दोबारा आइए ना। जी जी, क्या है, फेड आउट के पहले लाइट।